राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम फलाहारी नमकीन चटपटा सिंघाड़े का कतरा ट्रायंगल बनाएंगे, साथ में तीखी हरी चटनी। उसके लिए हमें चाहिए सिंघाड़ा का आटा, ग्रेट किया हुआ आलू, छोटा सा ग्रेट किया हुआ खीरा, धनिया मिर्ची बारीक कटा हुआ, अदरक धनिया मिर्ची की चटनी और भुना कुटा फल्ली दाना। अब हम एक बाउल में सिंघाड़ा का आटा डालेंगे, फिर ग्रेट किया हुआ खीरा और जो बारीक कटी हुई धनिया मिर्ची है उसको डालेंगे। फिर ग्रेट किया हुआ आलू को मिलाएंगे। ये 2 ग्रेट किया हुआ आलू है, 50 ग्राम सिंघाड़ा का आटा है उसमें ये सब मिला रहे हैं, और धनिया मिर्ची अदरक की जो चटनी है उसको मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको पतला घोल बनाना है, इस तरह से ऐसा पतला घोल बनाना है। उसमें फिर फल्ली को डालेंगे, फल्ली दाना जो कुटा हुआ रखा है उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिलाएंगे इसमें, सेंधा नमक मिलाएंगे क्योंकि हम ये फलाहारी के लिए बना रहे हैं, उपवास के लिए, इसलिए सेंधा नमक मिलाना है। घोल तैयार है, इसमें 1/2 नींबू का रस डालेंगे। अब एक थाली को में थोड़ा सा घी लगाकर उसको ग्रीस करके रख लेंगे कतरा जमाने के लिए। ऐसा थोड़ा सा ग्रीस करके एक साइड थाली में रख लेंगे। आपने मीठा कतरा तो हमेशा खाया होगा, ऐसा चटपटा कतरा बनाकर देखिए। फिर एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच थोड़ा सा घी डालेंगे। फिर जो घोल है उसको धीरे धीरे डालेंगे कढ़ाई में, और लो मीडियम फ्लेम में इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। ऐसे विस्क की सहायता से इसको लगातार चलाते हुए पकाना है, इसको इतना गाढ़ा होते तक कि कतरा जमना चाहिए, इस तरह इसको घोल को बनाना है। फिर एक जो थाली ग्रीस की हुए रखे हैं उसमें इसको ढालना है कतरा जमने के लिए। इतना पकाना पड़ेगा कि वो कतरा जम जाए, इस तरह सेट होने के लिए। फिर इसको ठंडा होने के बाद थोड़ी देर सेट होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए 15 मिनट। अब हम चटनी बनाएंगे, तीखी चटनी। उसके लिए चाहिए हमें मीठा पत्ती, धनिया मिर्ची, फल्ली और थोड़ा सा दही। उसको मिक्सी के जार में डालेंगे, धनिया मिर्ची, मीठा पत्ती, थोड़ा सा फल्ली दाना, थोड़ा सा दही मिलाएंगे इसमें 2-3 चम्मच। इसको चला लेंगे। अब हमारी तीखी खट्टी चटनी तैयार है। फ्रिज से निकाल कर इसको कतरा को ऐसे ट्रायंगल शेप में कट करना है। अब एक फ्राई पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी लगाइए, घी लगाइए। आप जो भी चाहे, या तेल से या घी से इसको सेमी फ्राई करना है हमको। जो कतरा बनाए थे उसको इसमें डालिए और थोड़ा सा सेमी फ्राई करना है, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन सेकना है। धीमी आंच पर इसको रखिएगा, गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखिएगा जिससे अच्छे से ये कतरा सिक जाए, इस तरह से। और इसको धीरे धीरे से पलट के गोल्डन ब्राउन होते तक सेकना है। चारों तरफ से अच्छे से घुमा घुमा कर इसको पलट कर सेकना है। थोड़ा ऊपर भी ऐसा ब्रश से ऑयल लगा लिए। देखिए अब हमारा कतरा रेडी है,
नमकीन चटपटा कतरा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गुड फूड गुड मूड।